पखांजूर। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पखांजूर के द्वारा शहीद वीर गैंद महाविद्यालय पखांजूर के प्राचार्य जी को महाविद्यालय में लिए जा रहे जन भागीदारी शुल्क कम किए जाने के विषय में ज्ञापन सौंपा। विभाग सह संयोजक रोशन बाराई ने बताया कि शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के द्वारा रेगुलर एवं प्राइवेट विद्यार्थियों की परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करने के लिए अग्रेषण शुल्क 30 रूपए के साथ जन भागीदारी शुल्क कुल 300 रूपए लिया जा रहा है। परलकोट क्षेत्र साधन ग्रामीण वनांचल क्षेत्र है। यहाँ के अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से अध्ययन अध्यापन के लिए महाविद्यालय आते हैं। इस प्रकार कोरोना के काल में महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अत्यधिक रूपए जन भागीदारी के रूप में लेना उचित नहीं है। कोरोना के इस काल में आर्थिक रूप से अधिकांश परिवारों में तंगी है। नगर मंत्री राहुल सरकार ने कहा कि एकाएक अत्यधिक रूपए देने से विद्यार्थियों में आर्थिक बोझ पड़ रहा। महाविद्यालय प्रशासन को छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट के विद्यार्थियों से लिया जा रहा जन भागीदारी शुल्क न्याय संगत लेते हुए कम करना चाहिए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई पखांजूर द्वारा जन भागीदारी शुल्क कम करने के लिए कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया। कॉलेज प्रशासन द्वारा अगर 2 दिन के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए बाध्य कॉलेज प्रशासन होंगे। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।